मैंने नेशनल फ्यूचर पार्टी से फॉर्म भरा था और मोदी जी के कुशासन को लेकर मैंने आज फॉर्म वापस लिया है और मैं कांग्रेस में वापसी है मेरी। रास्ता भटक गया था, मैं वापस अपने घर वापस आ गया हूँ। शहाबुद्दीन पप्पू कुरैशी। समर्थन कांग्रेस को करेंगे सर जी। पर्चा भरा था उस दिल में देखो आपसी में हमारा मतभेद हो गया, बाकी हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहेंगे मतदान तक और मोदी जी का राज का अंत करेंगे। किसको सपोर्ट करें? कांग्रेस पार्टी को। सहमति से? बिल्कुल सहमति से, कोई दबाव नहीं है। ठीक है, हमारी नाराजगी हो गई, वापस हम राजी, कांग्रेसी थे कांग्रेसी रहेंगे मरते दम तक। नाम बताइए। नाम मेरा कयूम खान देसवाली। वापस ले रहे हो सर? मैं नाम आज वापस इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है और मैं देश हित में अपना नाम वापस ले रहा हूं, क्योंकि अगर यहां से कांग्रेस हारती है तो देश को नुकसान है। जी मैं कांग्रेस को समर्थन दे रहा हूं। एडवोकेट सम्राट सरवर खान। देखो आज तीन प्रत्याशियों ने अपने कांग्रेस के समर्थन में वापस से नाम लिया, शहाबुद्दीन जी, सम्राट सरवर खान जो वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और कयूम भाई। इन्होंने आज यही सोच के कि चूंकि कड़ी से कड़ी जोड़नी है, मोदी शासन का, भाजपा का अंत करना है, इस तानाशाही का अंत करना है, तो इन्होंने अपने आत्म मंथन करते हुए आज कांग्रेस के, क्योंकि अगर एक सीट का भी किसी भी तरह ये कुछ भी वोट काटते हैं तो वो एक तरह से कांग्रेस का नुकसान है। दूसरा इन्होंने ये देखा कि जो अजमेर को जो सौगात मिली है रिजू जी प्रत्याशी के रूप में, उस सौगात ये आने वाले ना सालों में कभी मिली थी ना मिलेगी, उस चीज़ को भी इन्होंने मद्देनज़र रखा कि अगर इनकी एक सहयोग से अगर किसी तरह कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है, अजमेर की जनता को फायदा होता है, देश की जनता को फायदा होता है, तो ये इन्होंने आत्ममंथन करते हुए कांग्रेस के पक्ष में आज अपना नाम वापस लिया है। हम इनका स्वागत करते हैं, इनको धन्यवाद अर्पित करते हैं, इनका जो निर्णय है उसकी हम सराहना करते हैं, और इन्होंने जो देश हित में जो आज और कांग्रेस के हित में और बीजेपी का मोदी का शासन अंत करने के लिए जो निर्णय लिया है उसका वेलकम करते हैं। धन्यवाद। वह भोजन।